हेलो चिल्ड्रन वेलकम बैक टू एक्स्ट्रा क्लास विथ आर एन मंडल हाउ यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज जो हमारी वीडियो होने, होने वाली क्लास टेंथ की ग्रामर एक्सरसाइजेस होने वाली हैं जैसे कि आप सबको पता है हम लोग इस सेशन में ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रही है बिकॉज योर बोर्ड एग्जाम्स इज अप्रोचिंग वेरी नियर बाई सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट द लेसन लेसन देख लेते हैं क्या है इसमें कंप्लीट एनी टेन ट्वेल्व ऑफ़ टूवेल्व ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड इसमें से कोई भी टेन आपको अटेम्प्ट करनी है एनी टेन और इसमें से कितने क्वेश्चन रहेंगे ट्वेल्व क्वेश्चन रहेंगे राइट तो सारे के सारे क्वेश्चन नेरेसन्स डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स राइट और मॉडल भर्ब्स पर अधिकतर बेस्ट होती हुई है तो इसको देखना तो नोएडाज़ फर्स्ट वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर इज लाइकली डेस एंड नोएडा के जो फर्स्ट रेस्क्यू सेंटर होने वाला है इस ईयर के शायद लास्ट तक हो बाई बाई ईयर एंड बाई ईयर एंड एट ईयर एंड आंसर आपका क्लियर नहीं होगा राइट ऑन ईयर एंड ऑफ ईयर एंड सो बाईर एंड राइट इस साल के आखिरी तक सेकेंड नंबर रीड द कन्वर्जेसन बिटवीन मनु एंड अनु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कन्वर्जेशन बिटवीन मनु एंड अनू कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग इट करेक्टली करेक्टली इसको रिपोर्टिंग करेंगे मनु वेर आर यू गोइंग मनु इज सेंग कहाँ जा रहे हैं तो इसी का आप देखेंगे मनुआक्स्ट अनु आई एम गोइंग टू मार्केट राइट डू यू वॉन्ट एनी थिंग सुमनुक्स्ट अनु अनु से क्या पूछा वेर सी वॉज गोइंग वेर सी वॉज जो आर है ना ये बन जाएगा वॉज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूज था पास्ट कंटिन्यूज में बन गया आपका चेंज हो गया वेर सी वॉज गोइंग राइट इंडेटिव सेंटेंस नहीं बनाएंगे आप इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ थर्ड में कोई भी ऐप आप, आपको एक ऑप्शन चूज़ करनी है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स बाई गिवेन लाइन फ्रॉम आर्टिकल बाय पेंग्विन जी जी हु इज कंसिडर वन ऑफ द पॉनर्स ऑफ द गुजराती शॉर्ट स्टोरी ठीक है माने जाते हैं हिज राइटिंग डेस्ट बाय ड्रामेटिक स्टाइल रोमांटिकिजम्स रोमांटिकिजम्स एंड पावरफुल डेपिक्शंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस ठीक है तो हिज़ कैरेक्टर क्या इसमें क्या रहेगा आपका कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं हिज कैरेक्टर हिज राइटिंग इज कैरेक्टराइज्ड राइट हिज राइटिंग इज़ कैरेक्टराइज ये पार्ट आपका सही है क्यों क्योंकि इसमें हम लोग बात कर रहे हैं इस राइटिंग इज़ करेक्टराइज बाय ड्रामेटिक स्टाइल्स उसको इस स्टाइल्स के लिए जाना जाता है इस क्रिट कंटिन्यूस टेंस में तो नहीं हैज़ बीन करेक्टराइज किया जा रहा है ऐसा भी नहीं है करेक्टराइजेज सिंपल में भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं इसलिए इज करेक्टराइज बाय ड्रामेटिक स्टाइल राइट प्रेजेंट फॉर्म में ही करेंगे बेसिक फॉर्म में करेंगे सो इसका यहाँ पर यूज़ करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कैरर है और इसको देख लेते हैं इट्स वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू कम्प्लीट इट ऑल बाई टू मोर ओर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इसको कल शाम तक कर लो तो इसमें आप दिख रहा है कि इसमें फ्यूचर टेंस है वी टमोरो इवनिंग कल की शाम की बात हो रही है तो सूट की जगह क्या यूज़ करेंगे विल नॉट बी पॉसिबल विल नॉट बी पॉसिबल इसी का हम लोग यूज़ करेंगे क्लियर है नेक्स्ट नंबर फाइव की ओर आगे बढ़ते हैं नंबर फाइव में क्या है वो देख लेते हैं नंबर फाइव एक्सरसाइज जो है द सेंटर पैनल ऑन एयर क्वालिटी कुआकम हैज़ डायरेक्टेड द एजेंसीज डेस्ट डेवलप पेपर गेज इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीआर बिफोर द नेक्स्ट विंटर तो इसमें क्या करेंगे आप द सेंटर पैनल ऑन एयर क्वालिटी कोआकम हैज़ डायरेक्टेड द एजेंसी कंसर्न टू डेवलप कंसर्ड राइट डी पार्ट है इसमें आएगा कंसर्न टू डेवलप पेपर गेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन सी आर बिफोर द नेक्स्ट टाइम उन्होंने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है इसलिए आएगा कंसर्न सो वॉज कंसर्ट तो नहीं आएगा विल भी कंसर्न फ्यूचर में भी नहीं यूज़ करेंगे ऑलरेडी उन्होंने मीटिंग कर लिया है सो ईज़ कंसर्ड या कंसर्ड ऑनली कंसर्ड आएगा ईज यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्यों क्योंकि सेंटेस को देखने के बाद हैज़ डायरेक्टेड द एजेंसीज हैज़ का यूज हुआ ना हैज़ डायरेक्टेड एजेंसी कंसर्ट तो इसीलिए भाव का थर्ड फॉर्म ही आप यूज़ करेंगे हैज़ की वजह से आगे बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट नंबर सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ठीक है रेस्पेक्टेड सर मैम आई डेस बी रेसिडेंट ऑफ अंकुर एंके देख के लगता है आई एम रेसिडेंट ऑफ राइट सिंपल प्रेजेंट में ही इसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट नंबर सेवन इस डायलॉग में क्या है इसके अकॉर्डिंग आप इसको फिलअप करेंगे नंबर सेवन में जो है आ, हरीश का जो डायलॉग इसको रीड कर सकते हैं कॉबलर का जो डायलॉग है फिर हरीश का डायलॉग है तो हरीश आक्स द कॉबलर कुड बी पब्लिस सो द दॉबलर रिप्लाइड एफ्रीमेटली मेटली हाँ भरते हुए एफ्रीमेटली मतलब यस uh, yes, बोलते हुए एडेड बट बट क्या बताए आई विल टेक टेन रुपीज़ फॉर इच शू तो इसको आप चेंज करेंगे ही वुड टेक टेन रुपीज़ फ़ॉर इच शू ही वुड वुड टेक टेक का सेम ही रहेगा आपका ही वुड टेक टेन रुपीज़ फॉर इच शू टेक टेन रुपीज़ फ़ॉर ईच शू इसको सेम टू तो सेम आप लिख लेना आपका आंसर बन जाएगा नंबर नेक्स्ट नंबर आपका जो है एट एंड नाइन इसको देख लेते हैं क्या है इसको आपको कोई भी ऑप्शन चूज़ करना है इसमें से कोई भी एरर निकालिए द ट्रैफिक पुलिस हैज़ डिप्लॉयड टर्म्स एट वेरियस इंट्रैक्शंस इन द सिटी इंस्ट्रक्शंस इन द सिटी चलान्स एंड एम्पावर्ड ऑल्ड इंपाउंड ऑल पल्यूटिंग वाहकल्स द ट्रैफिक पुलिस द यहाँ पर सही है ट्रैफिक पुलिस हैज़ डिप्लॉयड टीम्स हैज़ की जगह क्या यूज़ करेंगे हैव का यूज़ करेंगे ट्रैफिक पुलिस हैव डिप्लॉयड राइट right, टीम्स की बात हो रही है यहाँ पर इसीलिए हैव हाँ का यूज़ करेंगे वेरियस करेक्ट इन ट्रैक्सन्स इन दिटी टू इशू बाकी यहाँ पर सब सही लग रहा है यहाँ पर कोई एरर नहीं है तो आप ये पार्ट इसका बनाएंगे राइट हैज़ को हैव बना देंगे नंबर नेक्स्ट इसमें से भी कुछ ना कुछ एरर है इसको देख लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसको आप फिल अप करेंगे सो so, while we are both to place restriction the language oxymoron oxymoron usually refer to a set of dash contradict contradict ki jagah aap kya karenge contradict words rather than contradictory person to yahan par bhi aap karenge contradictory right contradict contradict ki jagah contradictory yahan par aap likhenge jaisa लिखा हुआ contradict को बना देंगे contradictory spelling क्या होगा c o n t r a d i c टी ओ आर वाई कंट्राडिक्ट्री वर्ड्स रेदर देन ए कंट्राडिक्ट्री पर्सन ठीक है नंबर नेक्स्ट फ्रीडम इज नेवर डियर एट एनी प्राइज इट इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वॉट शुड ए मैन वुड नॉट पे फॉर लिविंग है महात्मा गांधी जी का एक फ्री पॉपुलर कोर्ट्स है इसी कोर्ट्स को यहाँ पर मैंसन किया गया फ्रीडम इज़ नेवर डियर एट एनी प्राइज यहाँ पर सही है राइट फ्रीडम्स को हम लोग कोई भी प्राइस पर ए, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते इट इज इट इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ यहाँ पर भी सही है वट फूड अ मैन नॉट पे फॉर लिविंग सूड यहाँ पर कोई मॉरलिटी की बात नहीं हो रही तो इसलिए वुड का यूज़ करेंगे व्हाट वुड अ मैन नॉट पे अ फॉर लिविंग एक आदमी इस फ्रीडम्स को पाने के लिए क्या नहीं कर सकता तो यहाँ पर सुड की जगह वुड का यूज़ करेंगे आप नेक्स्ट नंबर इलेवेंथ है ना नंबर इलेवेंथ को देख लेते हैं इसमें क्या एरर है ट्रांसफॉर्म ओके ट्रांसफॉर्म देंटेंस एफ्रीमेटिव टू नेगेटिव एफ्रीमेटिव से मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में से चेंज करेंगे एस सोन एज द स्टूडेंट सो द टीचर दे रस टू देयर क्लास एस सोन एज द टीचर सो नो सोनर हैड का यहाँ पर यूज़ करेंगे ठीक है नो सोनर एज द टीचर सो दो दूडेंट सो द टीचर द र टू देयर क्लासेस नो सनर में हैड का तो यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हैड ऐसा हैव का यूज़ नहीं हुआ है नो सोनर हैव तो इसमें बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते राइट इसमें है ही नहीं कुछ ऐसा हैव बिल्कुल चेंज होता ही नहीं है नो सूनर क्यों हैव का यूज़ नहीं होता अगर हैड वगैरह होता तो अगर हैव होती तो हैड में चेंज हो जाती लेकिन यहाँ है, पर हैव है ही नहीं राइट सो नो सूनर डू द स्टूडेंट डू प्रेजेंट फॉर्म में नहीं होता सो so डू का पार्ट फॉर्म डीड होता तो डिड को देख के इसको बनाएंगे नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर देर टू देयर क्लासेस राइट इसको चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे नेगेटिव के अकॉर्डिंग चेंज करें फ्रीमेटिव से नेगेटिव बना देंगे सो नो सूनर राइट एस उन एस इसका अपोजिट हो गया नो सूनर डीड द स्टूडेंट सी द टीचर डीड द स्टूडेंट सी द टीचर देयर एस टू देयर क्लास इसके अकॉर्डिंग आप इसको फिलअप करेंगे हम मुझे लगता है डी पार्ट ही इसका सही आंसर है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट राइट तो इसमें क्या है एरर सप्लाई करनी है आपको कौन सा एरर ए हेड ऑफ हेयरिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो नहीं होता इन सुप्रीम कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट है देख के लग गया बहुत ही सिंपल सा है तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द ट्वेल्व क्वेश्चन वेरी वेल इफ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ एनी डिफिकल्टीज और मोर मैंक्शन टिल्स यू अगेन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू